अध्यापक महोदय, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, साउथपोर्ट कोलियरी हायर सेकेंडरी, उपस्थित स्कूल मैनेजिंग कमेटी के प्रधान उत्तम बाबू, हमारे सभी शिक्षक, मेरे सभी कलीग, इस स्कूल में कार्यरत सभी बंधु, सभी को इस गौरवपूर्ण दिन के मेरे ओर से सभी सम्मानजनक तथ्यों के साथ मैं कुछ बोलने का मौका मिला हूँ। सबको धन्यवाद। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पूरा विश्व, हमारा देश कृतज्ञ राष्ट्र, साथ साथ हम लोग विद्यालय परिवार, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। एक ऐसे शख्सियत जिनको जिनकी कर्तव्य जिनकी कृतियों को हम लोग लेखनीबद्ध करना संभव नहीं है। मेरे इस वक्तव्य से पहले मेरे प्रधानाध्यापक, मेरे यहाँ उपस्थित और बहुत सभी ने उनके जीवन में बहुत सारी टिप्पणी की जो काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं उनसे जीवन का एक आदर्श वाक्य बोलूँगा जिसको उन्होंने परिचालन किए। निजी जीवन से देश बड़ा होता है, निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तो देश खड़ा होता है। उनके जीवन के इन आदर्श वाक्यों के साथ मैं चार लाइन एक कविता के रूप में बोलना चाहूँगा। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा या सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे जुग जुग तक भारतवासी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।